हाय दिस जोगेंद्र टुडेया एट टुडेया टॉक्स डीसी मार्टिनी। बात करते हैं सत्यमेव जयते के बारे में। मिलाप जावेरी की फिल्म है, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी राख। राख में जो कोर प्रमाइस था, जो एक डायलॉग बाजी थी, उसी के साथ शुरू होती है सत्यमेव जयते। और जैसे ही आप ये फिल्म देखना शुरू करते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अगर वो शॉर्ट फिल्म 15-20 मिनट की जो बनाई थी मिलाप जावेरी ने, उसी की एक कंटिन्यूएशन उन्होंने 2.25 घंटे की बना दी है सत्यमेव जयते। और जब आप ये फिल्म देखते हैं आपको मजा आता है, बिकॉज व्हाट यू गेट टू सी इज द कंप्लीट मसाला एंटरटेनर ऑफ द 80s एंड द 90s। अगर आपने सुनील शेट्टी की फिल्में देखी हैं, अगर आपने अमिताभ बच्चन की शहनशाह देखी है, अगर आपने और बहुत सारी इस तरीके की फिल्में देखी जिसमें अनिल कपूर, मिथुन गोविंदा ये सब होते थे, तो आप जो इस फिल्म के साथ रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ 80s मसाला कि आपका पेट नहीं भरता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब बीच बीच में लव स्टोरी आती है तो आपको लगता है इसको साइड करिए, लेट्स वॉच सम गुड मसाला ऑन स्क्रीन, बिकॉज काफ़ी सारे पैरेलल्स हैं जो आप ड्रॉ कर पाते हैं। जो सबसे बड़ा पैरेलल है वो तो अमिताभ बच्चन की शहनशाह। शहनशाह में अमिताभ बच्चन थे विजिलांटे और यहाँ पर है जॉन अब्राहम विजिलांटे। बट उसके अलावा जो एक और आपको एंगल देखने को मिलता है वो है दीवार का। मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, बट यू बी एबल टू फाइंड आउट व्हेन यू वॉच द फिल्म कि हर जैसा भी एक एंगल यहाँ पर निकल के आ रहा है। बट बियॉन्ड दैट आपको थोड़ा बहुत बाजीगर भी देखने को मिल जाएगा, थोड़ी बहुत एक्चुअली सुनील शेट्टी की विनाशक भी देखने को मिल जाएगी। ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो 80s और 90s के जो लोग थे उनको बहुत पसंद आती थी और मैं उनमें से एक डेफिनेटली हूँ। सो यस, आपको अगर डायलॉग बाजी देखनी है, अगर आपको एक्शन देखना है, आपको मसाला देखना है, रिवेंज ड्रामा देखना है, वेंजेंस देखना है, करप्शन के अगेंस्ट एक इंसान की अपनी एक पुकार देखनी है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिलेट टू दिस अ लॉट। एक और जो चीज़ काफ़ी अच्छी चलती है फिल्म में वो है फिल्म की जो पेस है। फिल्म की पेस कभी भी डाउन नहीं होती एक्सेप्ट फॉर द लव स्टोरी एलिमेंट। यस, आयशा शर्मा इज गुड लुकिंग, शी डस प्ले हर पार्ट वेल। थोड़ी नेहा धूपिया जैसी भी लगती है जैसे वो अपनी पहली फिल्म कयामत में थी, बट उसके अलावा अगर हम देखें तो लगता है कि नहीं यार, हीरो हीरोइन वाले एंगल की जरूरत नहीं थी। जब तक मनोज वाजपेयी है उनके सामने जॉन अब्राहम है, फिल्म देखने में मजा आ रहा है। एक चीज़ जो और थी, जो एंटायर विलन का जो एंगल है अगर वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ऐसी फिल्मों में एक टाइम पे अमरीश पुरी होते थे या परेश रावल होते थे या आज ही की डेट पे प्रकाश राज होते थे, तो वहाँ पर एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट अगर और होता तो मज़ा ही कुछ और होता। बट स्टिल व्हाट यू गेट टू सी इज जॉन अब्राहम इन फुल फोर्स। और अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो जिस तरीके का एक्शन आपने फोर्स में देखा या फोर्स टू में देखा या रॉकी हैंडसम में देखा, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जॉन अब्राहम इस फिल्म में आते हैं। जो एक चीज़ और अच्छी लगती है, दैट्स द इंटेंसिटी इन हिज डायलॉग डिलीवरी, द मैनर इन विच ही डिलीवर्स हिज डायलॉग, जो वो बेस इफेक्ट आता है। और खासकर अगर आप सिंगल स्क्रीन के हिसाब से अगर फिल्म देखें तो आपको बहुत मज़ा आता है। बट सामने मनोज वाजपेयी है, मनोज वाजपेयी टू प्रैक्टिकली हैज़ अ इक्वल स्क्रीन टाइम एज जॉन अब्राहम। सो ये जब दोनों आमने सामने आते हैं तो बहुत मज़ा आता है फिल्म में। बट येस, एक्शन जो है फिल्म में उसमें काफ़ी गोर भी है, अगर वायलेंस है तो साथ में ब्लड भी है। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जो ज़्यादा खून खराबा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ ब्लड ऑन स्क्रीन एंड दैट्स द रीज़न व्हाई इट हैज़ गॉट द एडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट एज वेल एंड राइटली सो। बट येस, इफ़ यू आर एक्शन फिल्म जंकी तो आपको फिल्म देखने में मज़ा आएगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स ऑफ वेरी वेल और इंटरवल पॉइंट में जो एक ट्विस्ट आता है उसमें भी आपको बहुत मज़ा आता है। इंटरवल के बाद भी कुछ एक मूवमेंट्स हैं जहाँ पर फिल्म थोड़ी सी गति कम कर लेती है। सेकेंड हाफ का मिडिल पोर्शन जो है वो थोड़ा सा हल्का है, बट देन उसके बाद जब एक और गाना आता है मुहर्रम के अराउंड एंड देन द मैनर इन विच द फिल्म मूव्स टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स, आपको पैसा वसूल की जो एक चीज़ होती है वो आपके सामने बन कर आती है। सो यस, एक्शन, मसाला, बैकग्राउंड स्कोर, परफॉर्मेंसेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क टुगेदर। जो हीरो हीरोइन का एंगल है वो शायद अवॉइड हो सकता था, जो विलन का एंगल है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो सकता था, बट देन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विंस इज द 80s एंड द 90s मसाला एंटरटेनर जिसने हिंदी फिल्म्स को बनाया, जो बॉलीवुड को आज यहाँ तक लेकर आया। एंड आई एम वेरी श्योर दिस काइंड ऑफ सिनेमा इज नेवर गोइंग टू डाई, बिकॉज सत्यमेव जयते इज एनीवेज टेकन अ वेरी गुड ओपनिंग एंड द मैनर इन विच इज डूइंग इज गोइंग टू बी अ हिट एट द वेरी मिनिमम, बट उसके आगे भी जा सकती है। My rating for the film is 3.5 stars. This is Jogendra Tuteja signing off from Tuteja Talks Desi Martini.